से वहां से बच जा, अपनी मम्मी को परेशान ना करियो, आज मम्मी उपास ही है तुम्हारे लाने। ऐसा संतान साथ है व्रत है सलोनी शिवांश के लिए। शिवांश आज परेशान नहीं करो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लाने उपास ही है, बताओ। कहा बना रही इतनी रात को तुम जो वहां तक? कहा वो दिखाई तो नहीं रहा, तभी तो पूछ रहा हूँ, हटाइयो हाथ, दिखावे थे। देखो आधी रात के मेहंदी लगा रही है, अच्छी तो लगा ले तुम मेहंदी। ऐसी का है, लगावा। हाँ जी बताइए, कलकत्ता काय में आता है? काली कलकत्ते वाली तेरा बचन ना जाए खाली। काय में आता है कलकत्ता? पता नहीं काय में, अभी तो बोल रहे थे ना तुम। पता नहीं, अभी तुमने बोला तो था कुछ। काय में आता है वो, तुमने क्या बोला था अभी? कैसा मतलब, यूपीएमपी का? हाँ यूपीएमपी काय में आता है? पता नहीं यार, तुमने अभी कहा बोली थी है? तुमने कहा बोली? मैंने तो ऐसा ही बोल रही थी। कहा बोली थी? हम ध्यान भूल गए थे कि वो आगरा है। कहा बोली थी तुमने? कहा बोली थी? यूपी, कलकत्ता यूपी में आता फिर काय में आता? दूर है, पता नहीं कछुआर हो। काय में आता कलकत्ता? मेहंदी लग रही थी मेहंदी है कलकत्ता, तो काय में आउट? तुमने इतनी पढ़ाई करी, क्या करो बीए करो? सोच ही नहीं है आज तक कलकत्ता के बारे में, लेकिन गाना तो बहुत गा। अरे तो कलकत्ता के बारे में नहीं सोची तो पढ़ाई में तो आते हैं ना, कहता हूँ ना कहता हूँ कि कलकत्ता काय की का है कितने है कलकत्ता का है कलकत्ता कलकत्ता। तुम पहले अपना देखो ठीक है, जो तुम इतनी बड़ी बड़ी किटकैट खा गया, वे बोल रहे थे कि मेरी तबीयत खराब हो गई, इतने भयंकर काका देखो ऐसे खाद भरा फिर देखो जी एक बार में सीधे देखो फिर ऊपर से जी आदमी क्या थे गो। और बात ना पलटो, बात ना पलटो। हाँ ठीक है, मैंने तो देखे, हम तो सीधी बात है, हम तो क्या थेंगे, तुम नहीं पढ़ी लिखी? हाँ हम नहीं पढ़े लिखे, देखो। हाँ भैया मैंने जे खा ले, मेरी तबीयत खराब थी। क्या कह रहे, एक बार दवाई खाने पाँच दिन की तो है दवाई, एक इतना खा लें दे फिर नहीं खाऊ मैं। कलकत्ता काय में आ रही है, बताओ का है? पता नहीं काय काय अपने काय बाप के पैसा बर्बाद करे फिर पढ़ ले। बाप के पैसा हमने करे बर्बाद? तुम जैसे तो नहीं उड़ा है कि पल से ऐसे घूमत फिरे। बाप के पैसा तो तुमने भी तो बर्बाद करे। हाँ सुना, बाप के पैसा हमने बर्बाद करे। तुम जाको मतलब पढ़े भी लिखे नहीं, घूम भी फिरे, तुम भी जाते बस। तो फिर कलकत्ता ना पता, कलकत्ता काय में वेस्ट बंगाल में आत कलकत्ता, समझी? जोन चाहे हुए पढ़ी लिखी है जी, पढ़ी लिखी आत कछु नहीं है लूअर। और जो बीच में दाए बेबे उनकी काय नहीं बनाई वीडियो? अरे तो ये फाइनल फाइनल क्वेश्चन है, बांग्लादेश ढाका माका दुनिया भर की चीजें बताई बेबे काय नहीं गई? अरे ये फाइनल क्वेश्चन है, अगर इसका तुम आंसर दे दोगे तो मैं पक्का तुम्हारा ब्लॉग नहीं डालूंगा। मंडीगढ़ कछु नहीं डाल रहे हो, जो बता नहीं पा रहे बाकी डाल रहे हो यार। अरे यार तो मैं ये पूछ रहा हूँ, बेंगलोर काय में आता है बताओ? बेंगलोर का है, बेंगलोर काय में आता है? बेंगलोर अहमदाबाद के बगल में है? नहीं विदेश है वो। बेंगलोर विदेश है? मुंबई के लगा है बेंगलोर। अरे यार तो श्योर तो हो, कहूँ बेंगलोर विदेश कह रही, कहूँ अहमदाबाद के बगल में, कहूँ मुंबई के बगल में। अगर तुमने ये आंसर सही बता दिया तो तुम्हारी वीडियो डलेगी पक्का। ये तो ना सोच रहे ही विदेश है वो। बेंगलोर विदेश है? श्योर? श्योर नहीं। तो श्योर हो ना तभी तो, फिर बाद में कहोगे कि नहीं मैं तो श्योर नहीं थी। मुंबई तरफ है को बेंगलोर, सीधी सी बात है। आत काय में मुंबई में आत है? काय में आत फिर? पता नहीं महाराष्ट्र में आत, महाराष्ट्र में आत के पुणे में आत, के पुणे में आत। अब से दे आत हुए, लेकिन बई तरफ है वो। अच्छा अरे बई तरफ से का मतलब बेंगलोर आता काय में है? बेंगलोर यार काय में आत, बेंगलोर सिटी है, कौन से स्टेट में आता है बेंगलोर? अब बताओ, हाथ तो हटाओ मुंह पे से, बताओ। उजड़ी चमन नहीं आ रहा, हारी मानी नहीं, बताओ। कर्नाटका में फोन में देख देख के लगे थे बतावे, जब से ठाकुर जी को कॉल खा करो फोन में नहीं देखी। तो देखो तो ठाकुर जी को कॉल खा करो, मैंने तुम्हें शर्म नहीं आ दूसरे की बेइज्जती करवे में?
का मुँह का शर्म आया तुम्हें? शर्म नहीं आया तुमने अपने अपने बाप को इतना पैसा खर्च करवाओ? नहीं, जो चीज और बताते बाकी भी डाल लेंगे। गाइस ने मैंने इससे पूछी थी कि ढाका क्या है, ढाका काय में आता है, तो इसने बताया था ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, इसने सही बताया था। तुमने यहाँ पे बाकी पूछी थी कि वो पुणे काय में आते है, तो हमने कहा तुमने मुंबई। ठीक है, तुम जो कहते महाराष्ट्र, तुमने दो आंसर सही। हट जाओ, बहुत बेवड़े फर रहा है। बेइज्जती हो रही है, देखो कितने गुस्से आ रही। बेइज्जती कहां को, कौन को हमारी पूंछ काट रहा हो? तुमने दो आंसर सही बताए, केवल एक ढाका और दूसरा मुंबई। मैंने इससे पूछा मुंबई काय में आता है, इसने बोला महाराष्ट्र में। मैंने ढाका काय में आता है, इसने कहा बांग्लादेश में। बस दो दो बताया, बाकी इसने सब गलत बताया। कौन आया है? न्यासु भाई, कैसे हो? राधे राधे। क्या खा के आए? क्या खा के आए? रोटी चावल खाते हैं हमेशा, सब्जी नहीं खाते, रोटी चावल खाते। क्यों, रोटी चावल अच्छे लगते क्या? हाँ। देखो जेम्स ये। हाँ। लो नहीं आसा जेम्स। हम नहीं जाए। थैंक यू। वेलकम। राधे राधे। क्या कर रहे हो? सब्जी काट रहे। सब्जी काट रही? सब्जी तो साथ ना काट रही, लहसुन प्याज काट रही। हाँ तो जी बोले ना आप, कह रही सब्जी काट रही। तो देखो यहाँ पे साधना काट रही है सब्जी, ये बैगन और आलू की सब्जी बननी है, टमाटर भी रखे हुए हैं यहाँ पे, मम्मी प्याज काट रही हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राधे राधे। हमारे हाथ चिन में ना तो मेरी जी प्याज लहसुन से सुबह कटवा का हाथन में तो गई हो। ये देखो भैया इनके हाथन में पता नहीं का हो जा, जो हमेशा जेते पे अंगूठन में सुझाव से लहसुन प्याज नहीं काट पाते, सो मम्मी थे लहसुन प्याज काट रही। अबनी आई है, व्यान आया है और न्यासु भी आ गई है नहा के। हमारा स्वागत है, फ्रिज खोलो उसमें आपका स्वागत है। फ्रिज खोलो उसमें हमारा स्वागत है, फ्रिज में रखी चॉकलेट, इनको चॉकलेट खानी है। आपको चॉकलेट खानी है तो राधे राधे बोलो। राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो? अच्छे हैं। न्यासु आपको मिलेगा बिस्कुट, क्योंकि आपको ना ज्यादा मीठा नहीं देंगे हम, छो बिस्कुट। देखो बंदूक मार रही है, डिसम डिसम डिसम। गाइस ये मैं किटकैट लाई, तो गाइस मैं किटकैट लेकर आया था, तो देखो इसमें अब एक ही बची थी, इसको भी दे दो थोड़ी सी, दे दो बहन को, दे दो थोड़ी सी, आधी दे दो। दे तो रही बेटा वो, दे तो रही। हाँ बहन ने दही सोच रही, कह रही नहीं पूरी जाने, देखो तो ओए कितना गुस्सा आ गया। देखो न्यासा को, न्यासा कहाँ है वो, दे देना इसको आधी, दे देना, दे देना, ले देगी, ले लो बेटा, खा लो। बोलो दीदी को थैंक यू, बोलो थैंक यू। अवनी ने ना मावर लगाया था तो पैर गीले कर लिए, पूरा मावर उड़ा लिया। किसने लगाया था ये मावर? चाची, चाची, चाची ने लगाया था, तो न्यासा की मम्मी ने लगाया था। देखो पूरे गंदे कर लिए पैर तुमने, पता नहीं यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है। ये देखो गुड़ डाल रखा है पानी में और ये यहाँ पे गरी छील रही है छिलने से। मम्मी क्या कर रही है? पुआ बना रहे। पुआ काय के लिए? संतान साथ हैं उपास भी। अच्छा संतान साथ हैं ना, इसलिए गुड़ की पूड़ी बना रही है मम्मी, उसी में गरी भी डालेंगे। यहाँ पे साधना बना रही है रोटी। देखो बीमारी में ना ऐसा खाना मिलता है, पानी पानी ऊपर दाल नीचे, कुछ भी नहीं है इसमें, हरी मिर्ची और जीरा से तड़का लगा के, कोई भी मसाला नहीं कुछ नहीं, और नमक डाल दिया होगा बस, सिंपल दाल रोटी, तो यही खाना मिल रहा है आजकल हमको। तुम्हें फर्क दिखा रहा हूँ दोनों, दो ही हाथों में फर्क दिखा रहा हूँ। हाओ जहाँ हाथ में मेहंदी लगी, जहाँ मेहंदी नहीं लगी। मैंने नेल पॉलिश की बात करी, नेल पॉलिश की बोलती ना कि नेल, देखो बाना नकली भाई घर दही है, बाप सामान में हमने देखी नहीं है। देखो जा लगी जा में, ये पे देखो बिल्कुल शाइनिंग नहीं है और पूरी दही जैसी जम जा रही लगा रहे। अब जो नेल पॉलिश वाला फर्क तो तुम ही जान सको बच्चा, जो हम तो मोटो मोटो फर्क जाना। देखो जहाँ तुम्हें मौंदी दिख रही, जहाँ में मौंदी नहीं लगी बस। जा एक साल की हो गई या पूरी खाली हो गई, देखो बिल्कुल लिसू की और कितनी अच्छी है। जो देखो बच्चा कैसे आड़ उड़ रहा चड्डी पहन के, ओ सिवान से बच्चा। अपनी मम्मी को परेशान ना करियो, आज मम्मी उपास ही है तुम्हारे लाने। गाइस आज संतान साथ है, व्रत है सलोनी सिवांश के लिए, तो देखो सिवांश आज परेशान नहीं करो, तो मम्मी तुम्हारे लाने उपास ही है। बताओ पहले व्रत है तुम? हाँ। तो आज सलोनी का पहली बार व्रत है संतान साथ का, कितनी देर में पूजा होने वाली है? बस थोड़ी देर में। थोड़ी देर में, चलो बढ़िया है। तो भैया ने पता नहीं ये सलोनी कौन किराने रोटी ले जा रही, किन किराने ले जा रही?
शिवांश के पापा के लाने। ले भैया अब ना डायलॉग, अब एक तुम्हें भैया के लाने, अब शिवांश के पापा के लाने। ए पापा के मोड़ा देखो, तुम्हें पापा के लाने तुम्हें मम्मी खाना ले जा रही और तुम सो रहे थे आराम से। देखो शिवांश अपनी माँ के पास आकर रो रहा है। पता नहीं बच्चा का कांटे छेदे हमारे लगा के रो, कांटे जो छेदे कि तुम बेटी हो। अरे बेटा अबे लेके उन्हें चल लो सुशांत, ले आओ मैं देखो ले आओ हम चलेंगे। हमने शिवांश को आधा घंटा चल के इन्हें सुवा दो फिर सो गए आराम से। अब देखो भैया आ रहे थे, देखो घाम में हो रही संतान साथ की पूजा साधना, देखो कथा सुनाएगी यहाँ पे मम्मी, देखो पूजा कर रही है तुलसी माता की, संतान साथे की पूजा होती है, देखो चांदी की चूड़ियाँ होती हैं इनकी पूजा होती है। और फिर ये चूड़ियाँ तुम पहनोगी, इतने दूर का बैठी तुम पास में बैठ जाओ, गर्मी लग रही है गाँव में। हैं चलो बढ़िया है, देखो जय यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पुत्र प्राप्ति तथा पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है। पूजा विधि विधान दोपहर के समय चौक पूर कर चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य सुपारी लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव को ऋषि ने आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र सौंप दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान हे मुनि श्रेष्ठ मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। देखो बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सूरज देखो बिल्कुल भी नहीं निकला है। आप बादल देख ही सकते हो, बादलों ने सूरज को ढक रखा है। तो मैं तो आ गया, देखो साधना भी आने वाली है क्योंकि साधना को पौधों को पानी भी देना है, तो साधना आने वाली है थोड़ी देर में। ये पूरा बंद करवा देंगे यहाँ पे ग्रिल लगवा देंगे, इस साइड भी लगवा देंगे, तो ये पूरा कवर करवा देंगे। अभी तो क्या है शिवांश कहीं जा ही नहीं सकता वैसे भी। गाइस हम लोग जब भी यहाँ से, जैसे खतरा तो हम लोगों के लिए भी है, तो हम उतरते हैं ना यहाँ से जब भी, तो ये गेट है ना इसको पकड़ के ऐसे देखो, देखो इतने जीने तो मैं आ ही गया, अभी भी मैं देखो गेट पकड़ा हूँ ना, तो इतने जीने तो यहाँ तक तो, और फिर यहाँ से एक आराम से ऐसे और ऐसे हम लोग चले जाते हैं। तो इसलिए वैसे देखो पापा को ध्यान देना था, पापा नहीं बनवाया था ये सब, तो उस टाइम पापा ने ध्यान दिया नहीं, बट हम जरूर ध्यान देंगे, शिवांश बड़ा नहीं हो पाएगा और ये पहले ही हम सही करवा देंगे। अब हम अपना चालू करेंगे ऐप और फिर करेंगे हम वॉक। और कुछ लोग भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें तो पैसे लग रहे हैं, भाई काय के पैसे लग रहे हैं, कुछ पैसे नहीं लगते हैं इसमें, बिल्कुल फ्री ऐप चलता है ये, ठीक है ना। ये अपने कदम सेट कर लो, अब चलना स्टार्ट कर दो, जैसे ही चलना स्टार्ट कर दोगे ये काउंट करना स्टार्ट कर देगा। हो गया स्टार्ट, स्टेप यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, देखो ये मोर लिखा है ना यहाँ पे, हम ये देखो स्टेप गोल लिखा है ना, इस पर क्लिक करोगे यहाँ से कदम सेट कर लो जितने भी करने हैं आपको, मैंने तो 5000 सेट कर रखे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाओ अपना और खूब चलो और अपना देखते रहो कि कितना चल लिया, कितने टाइम में, कितना किलोमीटर, सब दिखे गए। अच्छी अच्छी चीज़ बताता हूँ गाइज मैं आप लोगों को, ये कोई प्रमोशन नहीं है, फ्री का है ये सब, वो तो आप लोगों का इतना ख्याल मैं रखता हूँ कि यार आप लोगों से कोई अच्छी चीज़ चूक ना जाए। जो मैं चीज़ यूज़ करता हूँ अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था ये साधना आ जाएगी चुपचाप से आके बैठ गई यहाँ पर, और देखो ये क्या खा रही है, क्या खा रही है ये देखो खजूर उठा लाई है, वो चुपचाप से बैठ के खा रही है यहाँ पर। ले आओ दो तो जब तुम्हें पता है कि मैं ऊपर पहुंच गया हूँ छत पे, तो तुम मेरे लिए भी ले आते, सपने हो रहा है खाना। ये कलयुग की लगाई है बज्जा, मतलब ही अपनों अपनों देखती हैं, पति भी इन्हें बिल्कुल प्यार होना है। देखो बढ़िया फोन में भजन लगा ले और धीरे धीरे वॉक कर रही जे, पेड़ पौधे में पानी नहीं डालने, और देखो मोटर चला दी है, टंकी में पानी कम होगा तो नल अभी आ नहीं रहा है, तो जैसे ही पानी आ जाएगा तो फिर साधना पेड़ पौधों को पानी दे देगी। बाकी वॉक कर रही है ये भजन चला के और मैं यहाँ अपना वॉक कर रहा हूँ। देखो जो आ गो नल में पानी, थोड़ा थोड़ा नल में पानी आ गो, नल में पानी आ गो। कल रात को जब मैं सो गया तो साधना ने मेरे हाथों पे ये मेहंदी लगा दी राधे राधे, तो ये स्वास्थ्य भी बना दिए बढ़िया। मैं जब सुबह उठा मैंने देखा यार ये हाथ में किसने राधे राधे लिख दिया मेरे मेहंदी से, और देखो रची भी कितनी प्यारी है मेहंदी बाकी इसने भी मेहंदी लगाई है, देखा ना तुम्हारी कैसी रची, देखो इसकी ये आगे देखो आगे
वाओ, तुमसे अच्छी तो मुझे लगी है। मेरी मेहंदी की बात ही अलग है। गाइस कमेंट करके बताना किसकी ज्यादा अच्छी लग रही। तो लगाई थी मैं। लगाई तो तुमने, बट राधे राधे की बात ही अलग है। तुम दीवार से टिक के बैठ गई, पीछे पूरी भड़ गई तुम्हारी, पता लाल से सफेद हो गई है। चूना तो नहीं है, पुटीन है, लेकिन इस पे कलर भी है, इसलिए छूट रहा है ये। धूप की वजह से खराब हो गया। देखो भज्जा, एक नंबर की बेहरानी है की। अबे पहले खजूर लाई थी, अब देखो नीचे गई तो देखो मम्मी ने जो पूड़ी बनाई थी गुड़ वाली, वे पूड़ी उठा ले आई। जो नहीं की हमारे लाए लेता थी एक। तुमने कही थी? मैं कह चुका हूँ तभी करो तुम, ठीक है ना। अगर मैं कभी खाना के लिए नहीं बोलूँ तो कभी खाना देना ही नहीं, ठीक है। खाना को तो टाइम पता है। हाँ, बेहरानी तो हो तुम, जवाब तो सत्य है। कितने कदम मेरे कंप्लीट होने वाले हैं? 8000। ये देखो सेलिब्रेट भी किया है इस ऐप ने, और 8000 कदम चले हैं आज मैंने, वही लगभग 5.45, मतलब 5.5 किलोमीटर मैंने चला है। 1 घंटा 5 मिनट में कंप्लीट हो गया, सही है, बढ़िया है। 5.5 किलोमीटर चल लिया, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही थी मुझे अपनी। जे जी जी देखो, इन्हें हमसे ज़्यादा जरूरत है चलवे की, जे ज़्यादा इन्हें जी तो मेरी है, जब से बैठी बैठी फोन चला रही है। मेरा है बरसानो, किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरा है बरसानो। बोलू मैं अब, इनको ज्यादा शरीर खराब है हमसे ज्यादा, जबकि इन्हें ज्यादा जरूरत है चलवे की। हमें पता ही नहीं चला हम कितने तुमसे कहते हैं तो आप लोग फोन दे। तुमने चलो कितने कह गो, अब कितने चली तुम? बिल्कुल भी नहीं चली गई। ये जब से आई इसने पौधों को पानी दिया और बस बैठ गई आके, और तुलसी की माला ढूंढ रहा है। मैं माला कहूँ अच्छे से खा पी खिलाने, खजूर ले आ रही, कहूँ पूड़ी ले आ रही, बस बैठी बैठी यहीं पे खा गई। चल लो ना नेक, कैसे सही हो तुम? बहुत अच्छी हो तुम। मौसम देखो, सूरज डूब चुका है पूरी तरीके से, प्यारा मौसम है, बढ़िया है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चंदा मामा देखो, ये चंदा मामा अभी कितने अच्छे दिख रहे थे, बादल आ गए सामने, ढक गए। कितनी प्यारी लाइट जल रही है, और हमारे ठाकुर जी देखो, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, दर्शन कर लो ठाकुर जी के। बढ़िया नई नई ड्रेस पहन रहे रोज ठाकुर जी। पुरानी का करें? पुरानी है, नहीं है जी, पुरानी है। ओ मम्मी, ओ ये, ओ मम्मी, ओ ये, पापा बुला रहे हैं, चलो चलो। सिमांश दाऊ सोच चले जा रहे हैं आराम से। ये देखो भैया, सिमांश हमारे पास आके बैठ गए, चलते हैं पापा को खाना देने के लिए। लीजिए पापा जी खाना, बिना पानी के पापा से रोटी नहीं खावत, लियो पानी। नया सा कुछ खाओगे? हाँ। क्या खाओगे? जैम खाइए। क्या खाओगे? जैम खाइए। क्या कह रही? जैम चाहिए। जैम तो खत्म हो गए, बिस्किट चाहिए। ए, नाक पहुँच दी, देखो नाक पहुँच दी। नाक की बोली इसने तो नाक पहुँच दी न्यासा ने। न्यासा आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चॉकलेट चाहिए? बिस्किट चाहिए? चॉकलेट तो खत्म हो गई, चॉकलेट हम कल लेकर आएंगे, कल मार्केट जाएंगे तब ले आएंगे चॉकलेट। बिस्किट दे दे। ले होने वहाँ सा बिस्किट खा के बताओ कैसे हैं, जल्दी बताओ खा के अच्छे। कैसे हैं? अच्छे हैं। हाँ ले लो, दो ले लो। वेलकम। करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग को खत्म। आशा करते हैं ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।